हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका फ्रैंकलिन के व्लॉग्स में। तो लास्ट वाले एपिसोड में आपने देखा होगा हम अपनी BMW X750D को लेकर आए हुए थे भाई पहाड़ों पे, यानी कि माउंट चिलियाड़ पे तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग करने के लिए। नहीं देखा वो एपिसोड तो भाई अभी के अभी देख लो जाके। तो हमने व्लॉग वो वाला यहाँ पे एंड कर दिया था, फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। बट भाई एक बहुत तगड़ी न्यूज़ आई है, जो अपना ट्रेवर है ना भाई वो फाइनली लेने वाला है स्कॉर्पियो N। जी हाँ भाई लोग, जो अभी अभी नई लॉन्च हुई है ना स्कॉर्पियो, वो वाली वो लेने की सोच रहा है। और अपने लॉस सैंटोस में जो कार डीलरशिप है जहाँ से मैंने अपनी X7 खरीदी थी, उनके पास भी 2-3 पीसीज आए हुए हैं स्कॉर्पियो N के। तो वो कह रहे हैं भाई आ जाओ आप, चलो दिखा देते हैं, अगर आपको उनमें से कोई कलर पसंद आए तो ले लेना। वैसे तो ट्रेवर को ज़्यादातर ब्लैक गाड़ियाँ ही पसंद है, मुझे वाइट पसंद ज़्यादा है। तो वो कह रहा है ब्लैक अगर मतलब है स्टॉक में तो हम ले लेंगे, बट देखते हैं वहाँ जाके 4-5 गाड़ियाँ कौन कौन सी है और कौन कौन से वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है या टॉप वेरिएंट है, सब जाके पता चलेगा। तो अभी ट्रेवर ने कहा है मुझे पहले पिक कर ले भाई, वो यहाँ पर आया हुआ था अपनी फैक्ट्री में किसी काम से। तो ट्रेवर को पिक करते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट में और वहाँ पर चेकआउट करते हैं न्यू स्कॉर्पियो N। और अगर पसंद आ गई तो ट्रेवर भाई आज ही हाथों हाथ उसे फाइनल रहा नहीं जाता कर दे। अरे बच गई भाई, अभी मोस्टर ट्रक हमें तबाह कर देता। हाँ तो अगर उसे पसंद आ गई तो भाई फाइनल कर देंगे, डील वील पैसे वैसे दे देंगे। और आपको प्राइस भी बताता हूँ कि इंडिया में जो चीज़ अगर बेस वेरिएंट 12.5 लाख का एक शोरूम है तो वो यहाँ पे इंपोर्ट करते करते हमें कितने का पड़ रहा है ना। ऑब्वियसली थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि इंडिया में बनती है वो गाड़ी, इंडियन ब्रांड है महिंद्रा, बट हमें बहुत पसंद है। स्पेशली तो वो जो अब नई वाली आई है ना भाई, बहुत ऊंची ऊंची सी है, तो ट्रेवर का तो दिल सा आ गया। ट्रेवर कह रहा भाई मुझे तो चाहिए देखो किसी भी हालत में ये गाड़ी। मैंने कहा चल ठीक है भाई चलते हैं, तू ले ले क्योंकि इतनी महंगी भी नहीं होगी है ना, और ट्रेवर का बजट भी कम है फिलहाल में। अब मैंने BMW X7 लिया है, उसकी थोड़ी जली भी पड़ी थी यार, इसने गाड़ी ले ली। बट अपन दोस्त है भाई, कोई बात नहीं, वो ये नहीं देख रहा कि मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी ली है, पैसा ही पैसा हो गया, और उसने सिर्फ 12-15 लाख की। तो कह रहा ठीक है यार चलते हैं। माइकल भी कह रहा था यार दिखाओ अपनी और रेंज रोवर के साथ थोड़ा ऑफ रोडिंग टेस्ट करेंगे कंपैरिजन। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में करें या ना करें, ताकि पता चल जाए। और हाँ यार, ये जिनको नहीं पता ना, ये सीरीज़ में हम गेम प्ले तो डालते हैं शुरू के 10-12 मिनट, बट एंड में 5-6 मिनट का ना ट्यूटोरियल भी डालते हैं, जिसमें मैं बताता हूँ आपको बेसिकली कि जैसे अभी जो मैं स्कॉर्पियो N लेकर आ रहा हूँ ना गेम में, वो कैसे डाली जाती है मोड्स के थ्रू। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट का पार्ट तो मिस करना ही मत, उसमें ट्यूटोरियल है। अगर आप भी GTA 5 में स्कॉर्पियो N चलाना चाहते हो तो आप भी चला पाओगे उसके मदद से, है ना। बाकी अभी बारिश बहुत तगड़ी आ रही है भाई, खतरनाक लेवल की, अब हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। बट BMW X7 की हैंडलिंग तगड़ी है, नो डाउट, आप कुछ भी कह लो बहुत स्मूथ चलती है। और पानी वानी हो, कीचड़ हो, बर्फ़ में तो नहीं चलाई खैर, जहाँ मर्जी हो कट में हैंडलिंग ना परफेक्ट मुड़ जाती है, ऐसे झूमती नहीं है गाड़ी ज़्यादा, इसलिए भाई इतनी महंगी गाड़ी भी है, क्यों सही बात है कि नहीं है। सामने बिजली कड़क रही है भाई तगड़े लेवल की, देखना हुए हुए हुए। चलो भाई बस पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, अपने ड्राइवर भाई साहब को उठाते हैं। अरे बच गई, नई गाड़ी है, ऐसी तैसी ना हो जाए। और यार इंडियन बैकपैकर की भी डिलीवरी मिल गई, ब्लू कलर लिया उसने, और सच्ची बताऊँ ना मुझे ब्लू उसका कलर देख के ज़्यादा पसंद आ रहा है। क्या कहते हो फिर हम भी अपनी गाड़ी को रैप या फिर पेंट करवा ले ब्लू कलर में ही, क्योंकि उसका ब्लू कलर बहुत अच्छा, ऊपर से उसने मैट में करवा लिया भाई डिटेलिंग भूल जाके, वो तो नेक्स्ट लेवल ही सीन कर दिया उसने। मैं ना उसकी कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आ रही है मैट में, कई लोग कह रहे हैं ग्लोस ही अच्छी थी, बट भाई मुझे पर्सनली मैट बहुत पसंद है और उसको भी पसंद आ रही है इंडियन बैकपैकर को, तभी उसने करवाई है। तो हम भी सोच रहे यार है ना, अपनी राय बताना कमेंट सेक्शन में, ब्लू करवा ली जाए क्या। ओहो भाई बहुत ही ख़तरनाक बारिश है, पूरा गीला हो रखा है रास्ता, ऊपर से पहाड़ी इलाके हो रहा है, तो संभाल के चलानी पड़ रही है। बट अपनी गाड़ी भाई देख रहे हो ऐसे ख़तरनाक टर्न्स पे भी 150 की स्पीड आराम से पकड़ रही हो, 150 छोड़ो भाई 180, ओ भाई कितनी परफेक्ट टर्निंग है इसकी, मतलब भाई 190 तक ले गया मैं इसको, कितनी सही कंट्रोल हो रही थी है ना, मज़ेदार है भाई सही में, कोई मुकाबला ही नहीं है X7 का तो ड्राइव के मामले में स्पेशली। चलो जी यहाँ पे जाना है बंदर, यहाँ करने क्या आया वैसे वो कह रहा मेरी फैक्ट्री है, बट ये तो आर्मी एरिया लग रहा है मुझे, है ना, लग तो आर्मी एरिया ही रहा है मुझे। नहीं यार नहीं, नॉर्मल रास्ता ही है मेरे ख्याल, बिल्डिंग बनी हुई है काफ़ी, यहीं कहीं पे बुलाया, कहाँ पे है भाई उसकी लोकेशन तो आसपास की आ रही है, पर दिख कहाँ रहा है ये खड़ा शायद से, वहाँ यही है भाई, साइड लगा देते हैं। ये क्या कर रहा है भाई, अबे नाच रहा है बारिश में खड़ा हो गया भाई, पागल वागल हो गया क्या ये, ओ मिस्टर क्या हो गया तेरे को, वो ये कैसा नाच रहा है देखना, वाह क्या सीन है। इसकी भाई सनत की लग रहा है स्कॉर्पियो लेने की खुशी में, और ये इसकी गाड़ी है भाई, पता नहीं कौन से जमाने की गाड़ी रख रखी है मॉडिफाई करवा के। अबे ओ पागल आदमी समझ रहा है, चल देख कैसे नाच रहा है। ओ भाई क्या आदमी है ये, अबे अबे
चल भाई चल, बावला हो गया, आजा मेरे पीछे चल, मेरी गाड़ी में चलते हैं। इसकी गाड़ी में क्या करना, अपनी X7 है भाई, कंफर्टेबल राइड, सारा भीग गया, मेरी गाड़ी भी अंदर से भिगाएगा नहीं को। यार ये ड्राइवर पागल है क्या, देखना सारा पानी पानी ले आया अंदर, मुझे और भिगवा दिया फालतू में। अब चलते हैं भाई, छोड़ो क्या करे, दोस्त है अब झेलना तो पड़ेगा इसको। ये रहा प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट, यहाँ चलते हैं और अपनी स्कॉर्पियो एन के नज़ारे देखते कैसी है। चलो जी लेट्स गो, अब भगाऊंगा भाई बारिश में, इसकी देखना कैसे फाड़ूंगा। 150 की स्पीड में जब भागेगी ना जैसे गीली ज़मीन पे, हवा टाइट हो जाएगी इसकी। अय हय हय, BMW से सच्ची में प्यार हो गया भाई, क्या चलती है भाई, ओए माय गॉड। और डीजल भी ख़त्म है भाई, भरवाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा बहुत चल जाना है आराम से, इसकी पहले स्कॉर्पियो का काम करवा दे वरना फिर चिक चिक करेगा भाई। ख़त्म ही ना हो रही बारिश, इतनी आ जा रही है तूफान। पिछले मतलब लास्ट एपिसोड भी आपने देखा होगा, उसमें भी पूरे टाइम भाई बारिश आ रही थी जब हम माउंट सिलियार्ड पे चल रहे थे भाई। उस पर आपने बहुत सपोर्ट दिखाया उस वाली वीडियो पे, मतलब 2 लाख व्यूज़ आ गए भाई। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, 2-2.5 लाख व्यूज़ आते रहेंगे, हम तहलका मचाते रहेंगे GTA व्लॉग्स का, है ना। लो भाई पहुंच गया ऑलमोस्ट, हम बस लेफ्ट लेना है यहाँ पर और ये सामने आ जाएगा हमारा प्रीमियम डीलक्स मोटो सपोर्ट। यहीं लगा देते पीछे भाई पार्किंग में गाड़ी और वो आगे चलते शोरूम। अब भीगना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं, बारिश ही ना ख़त्म होकर दे रही। चलो यार चलो स्कॉर्पियो है ना भाई, ड्राइवर जल्दी। ओ ये खड़ी, ये खड़ी, ये खड़ी, ओ भाई 3 कलर में खड़ी है यहाँ तो, देखना वो क्या खतरनाक लग रही है ये। चलो यार शोरूम के अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं और थोड़ा बारिश भी रुक जाए तो अच्छा है ना। 1 hour later फाइनली भाई लोग बातचीत कर लिए और बारिश भी काफी हद तक रुक गई है, मतलब रुकी गई है, अब तो साफ मौसम हो गया, पानी वानी थोड़ा पड़ा हुआ है। और डील हमारी ये हुई है कि 3 कलर आए हुए हैं, एक है ये ग्रे, एक है ब्लैक और एक है व्हाइट। ट्रेवर को पसंद आ रहा है बीच वाला यानी कि ब्लैक, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक लग रही है ब्लैक कलर में। और ये ना बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, यूज्ड गाड़ियां नहीं है, तो ये जो है ना ये इसका टॉप वेरिएंट है। पीछे से आप देख सकते हो एक्सप्लोरर लिखा हुआ है और लॉस सैंटोस में ये गाड़ी पड़ रही है भाई हमें टोटल 35 लाख रुपीज़ की। मतलब आप इंडिया का प्राइस, अगर आप इंडिया से हो तो बताना कमेंट सेक्शन में कितने की पड़ती है इंडिया में, वहां से और यहां के गैप में कितना डिफरेंस आ गया भाई, बहुत महंगी है क्योंकि ये बनती गाड़ी इंडिया में और यहां पे फिर अपना इंपोर्ट हो रही है, तो इसलिए 35 लाख रुपीज़ की ट्रेवर को ये पड़ रही है। पर ट्रेवर कह रहा भाई चाहिए मुझे किसी भी हालत में ये गाड़ी, देखना क्योंकि फॉर्चुनर भी यहाँ पे हमें लॉस सैंटोस में बहुत महंगी पड़ती है, तो इसको ये कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्कॉर्पियो 35 लाख में हम ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल मैं तो टेस्ट ड्राइव लेकर देखूँ भाई कैसी, क्या पता अपना भी मन बन जाए। अंदर से आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लग रही है, कितने सही भाई इंटीरियर कर दिए महिंद्रा वालों ने, XUV 700 के बाद तो तबाही सी मचा दी, देखना पूरा लोगो वोगो सब मस्त है। पीछे भी बस छोटी इसमें सनरूफ मिलती है, पैनोरोमिक नहीं मिलती, बट ठीक है क्योंकि इसकी बॉडी ऊपर से थोड़ी ऐसे उठी हुई सी है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम बना नहीं पाएंगे, मतलब ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे। और ये लैडर ऑन फ्रेम है तो भाई उससे गाड़ी की स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, कह रहे हैं बॉडी रोल काफ़ी हट गया, मैंने रिव्यूज़ देखे हैं। और ये देखो भाई मीटर, अरे हाय हाय क्या खतरनाक लग रहा है, देखना ओ माय गॉड बॉय। और ये पूरा इसमें आपको वो मिलता है एड्रेनॉक्स वगैरह। चलो फिर चले फटाफट से निकाले, इसी को चला के देख लेते। और ये 2 गाड़ियाँ भी बिक चुकी है, वाइट और ग्रे, अब अच्छा हुआ ब्लैक बिकी नहीं थी, ड्राइवर की पसंद यही थी। ओ यार कितनी स्मूथ है गाड़ी, अभी हम फिलहाल पेट्रोल वाली चला रहे हैं, बहुत स्मूथ है भाई ये तो। ओ माय गॉड यार महिंद्रा ने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली गाड़ी में, बहुत स्मूथ है भाई, वाइब्रेशन तो है ही नहीं गाड़ी में, और बॉडी रोल भी फील अभी तक तो नहीं हो रहा, एक बार टर्न लेके देखता हूँ शार्प सा। हाँ यार काफ़ी हद तक बॉडी रोल हटा दिया मैंने, पुरानी स्कॉर्पियो भी चलाई है बहुत झूलती थी वो, तो ये तो बिल्कुल नहीं झूल रही भाई, नेक्स्ट लेवल महिंद्रा की टीम काम कर रही है गाड़ियों पे। और प्राइस भी इंडिया में तो मतलब 12.5 लाख रुपये एक शोरूम से आपको बेस वेरिएंट मिल रहा है, और क्या चाहिए यार, है ना। चलो यहाँ चलाते हैं, थोड़ा सा भगाने की कोशिश करेंगे। इंजन आपको सही है, 200+ हॉर्स पावर मिलते हैं इसमें। ओ ब्रेकिंग भी सही कर दी महिंद्रा ने भाई, थार में तो बड़ी घटिया ब्रेकिंग थी, इसमें तो काफ़ी अच्छी है ब्रेक्स। चलो जी यहाँ थोड़ा भगा के देखेंगे, अगर ये 150 तक भाई पहुँच गई नॉर्मल रोड पे तो भाई मज़ेदार है गाड़ी, ना तो बॉडी रोल ना तो, बच गए भाई ठुक जाती अभी। लेट्स गो भाई लोग, स्ट्रेट रोड पे चला के देख रहे हैं, अब हम 120 चली गई है आराम से। हैंडलिंग इतनी कुछ खास नहीं है, बस ऑब्वियसली मुझे भाई X7 चलाने की आदत है तो उसका कंपैरिजन तो मैं कर ही नहीं सकता भाई इतने कम प्राइस में। यार देखो आराम से पहुंच गई 145 पहुंच गई है, और क्या चाहिए, स्टंट मार दूँ इस पर। अभी ड्राइवर कहेगा बेटे क्या कर रहा है, नई गाड़ी ली है अभी अभी करेगा। इसको यहाँ लगाते हैं भाई,
और इसका डिक्की विक्की खोल के देखते हैं मुझे, क्योंकि ना ये वाला गेट बहुत पसंद है खोलना। देखो ये ना मतलब ऐसे खुलता है यूं, ये देखो भाई, होए 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 होए, कितना सही है। ये है तो प्रॉपर 7 सीटर, बट लास्ट रो में इतना स्पेस है नहीं, तो 5 सीटर ही मानो, और आज में बच्चे बैठ सकते हैं। बट ये जो खुलती है ना इसकी डिक्की, ये बहुत चीज़ पसंद आ रही है ना ड्राइवर, इसलिए इसको इतना वो कर रहा है। चलो भाई बंद कर, अरे फिर खुल गई, लोग खराब है क्या? अबे क्या कह रहा है ड्राइवर, चल बंद कर दी, ला तू ही कर ले, मैं अंदर जा रहा हूँ। मुझे तो सच्ची बताऊँ भाई, इसके इंटीरियर से प्यार हो गया, देखना कितने सही लग रहे हैं यार। ओए होए होए होए, गजब यार गजब, देख रहे हो ये देखो, हाय हाय, नई गाड़ी में ही ड्रिफ्टे शिफ्टे लगा रहे हैं हम, ये अभी तक नहीं ट्रंक बंद करके आया भाई साहब। नई स्कॉर्पियो पे ड्रिफ्ट पहली बार कोई कर रहा होगा यूट्यूब पे, है ना शायद से। और ड्राइवर पीछे बैठ गया, अब ये देख रहा है पीछे की सीटिंग कैसी है, अच्छी है यार गाड़ी तो, नो डाउट। 35 लाख रुपये ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा है इंडिया वालों के लिए, लेकिन सही है काफ़ी, है ना। तो आप अगर इंडिया से हो तो भैया ले लो, बहुत सही गाड़ी लग रही है मुझे तो। चलो जी अब चलते हैं इसको लेकर, इसका देखते हैं, ड्राइवर का पूरा फाइनल तो हो गया है, अब ये पेमेंट वेमेंट करके डिलीवरी लेता है और फिर आपको मिलेंगे हम आराम से, है ना डिलीवरी पे। अगर आज ही ले लेता तो अभी दिखा दूंगा आपको, वरना फिर अगले ब्लॉग में डिलीवरी लेंगे। और क्योंकि ये भाई 4x4 वाली एक्सप्लोरर है, जी पीछे लिखा भी हो ना 4x एक्सप्लोरर, पीछे लिखा भी हुआ है 4 एक्सप्लोरर, तो उसका मतलब है भाई हम इससे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। तो क्या कहते हो, ले जाए इसको भी माउंट चिलियाड़ पे नेक्स्ट एपिसोड में बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए तो इसे शोरूम वापस लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत लंबी टेस्ट ड्राइव कर ली हमने। और इस एपिसोड के लिए भाई इतना ही रखते हैं, कैसा लगा आपको एपिसोड बताना, और साथ ही साथ में अब अगले 5 मिनट मिस मत करना, ये गेम में कैसे लाई जाती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ इंस्टॉलेशन इसकी, ठीक है जी। सबसे पहले तो भाई आपको जाना है GTA इंडिया मोड, ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा ये वाला मोड जो है ना भाई बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ये हमारे इंडिया के कोई भाई है उन्होंने ही बनाया, उनकी वेबसाइट है ये। तो ये 999 रुपीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, इतने रुपए का आपको मिलेगा, वैसे 2999 लिखा है बट सेलमैन 999 का मिल रहा है। तो आपको यहाँ से ये मोड खरीदना पड़ेगा, तभी आप जो है GTA में एंजॉय कर पाओगे भाई। और प्रॉपर इनको अगर आप वीडियो भी बना रहे हो ना तो डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स भी दे देना, मतलब खरीदने के बाद क्रेडिट्स भी देने पड़ेंगे अगर आप वीडियो बना रहे हो, समझ गए। खरीदने के बाद भाई आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको डाउनलोड करना है ये देखो, फिर वही एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप इसको ओपन करोगे आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, प्लस हाउ टू इंस्टॉल भी मिल जाएगा। सबसे पहले जो स्क्रिप्ट वाला फोल्डर है इसके अंदर आपको खोलना है और ये दोनों फाइलों को मारना है कॉपी। फिर आपको जाना है अपनी गेम की डायरेक्टरी में, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट का फोल्डर है, अगर ये नहीं है तो मेरा पहला एपिसोड देख लेना, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि कैसे आप मोड्स के बेसिक इंस्टॉल कर सकते हो, तो वहीं पर ये स्क्रिप्ट सब समझ आ जाएगा। अपना सिंपल जो है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये जो सेकंड फोल्डर है ये वाला, इसको खोलना नहीं है, ये सीधा आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी मारो। फिर आपको जाना है अपने GTA 5 की डायरेक्टरी में, मोड्स में, अपडेट फोल्डर में 64 DLC पैक, और यहाँ पर आके जो है इसको पेस्ट कर देना है। ये बाकी गाड़ियों का भी डाला हुआ, BMW और अपना मस्टैंग वगैरह का, तो वहीं पे हमने स्कॉर्पियो की भी फाइल डाल दी। अब हमें मेन क्लोज कर देना है। अब जाना है हाउ टू इंस्टॉल फाइल में, ये वाली जो लाइन है ना भाई, ये इसको आपको कॉपी मारना है। उसके बाद आपको खोलना है भाई ओपन IV बट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, यस कर देना। फिर अपना GTA सेलेक्ट कर लो विंडोज के लिए। खुलने के बाद आपको करना है एडिट मोड पर क्लिक, यस करना है। फिर जाना है अपने मोड्स फोल्डर पे 64 पे, अपडेट फोल्डर पे 64x, फिर आपको जाना है मोड्स फोल्डर पे अपडेट पर, update.rpf कॉमन डेटा, और नीचे जाके आपको एक फाइल मिलेगी dlc.xml, इसको राइट क्लिक करके एडिट करके नीचे जाकर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एक एंटर मार के वो वाली लाइन पेस्ट कर देनी है। देखो ये सेम है ना, तो ये SN वाली जो फाइल है हमारी अपनी स्कॉर्पियो की है। उसके बाद सेव कर दो, ये सब क्लोज कर दो, ये भी क्लोज कर दो, और अपनी जो गेम है मेन वो खोल लो। गेम में आने के बाद आपको F8 दबाना है, फिर जाना है व्हीकल ऑप्शन में, फिर जाना है व्हीकल स्पॉनर, और सबसे एंड में आएगा इनपुट मॉडल, यहाँ पे आपको टाइप करना है SN22MG, एंटर मार दो भाई। ये आ गई है अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो। फिर से F8 दबाओगे, जाओगे व्हीकल ऑप्शन पे, मेन्यू कस्टम पे, यहाँ पर आप सारे अपग्रेड कर सकते हो, जैसे कि इसका चेंज करना है तो कलर पेंट पे जाओ, प्राइमरी कलर पे जाओ, मेटेलिक पे जाओ, वाइट हो गया, फ्रोस्ट वाइट, क्रीम, पर्पल, मतलब जो मर्जी, जितने महिंद्रा ने भी नहीं निकाले उतने कलर आप जो है यहाँ से चूज कर सकते हो। और फाइनली आपके पास जो है अपनी फेवरेट कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो N आ जाएगी, जिसके लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे सिर्फ 999, आपको मतलब गेम में मजे ले लो, है ना। तो इसको चलाओ, भगाओ, मॉडिफाई करवाओ, तगड़ी भाई बहुत। इंटीरियर आपने देखे ही पूरे गेम में कितने एक्यूरेट बना रखे हैं। मेरे हिसाब से अगर अपने इंडियन भाई लोग भी कम्युनिटी में ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, 999 रुपये देना उनको बिल्कुल वर्थ है भाई, इतना अच्छा आपको मोड मिल रहा है, प्रॉपर इंटीरियर है, प्रॉपर ग्राफिक्स है, तो वर्थ इट है भाई 999 रुपये। कई लोग कहेंगे फ्री में होना चाहिए, ये है वो है, बट भाई मेरे लिए तो वर्थ इट है, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ भाई, देखो साफ सी बात है ना, वीडियोस बना के इस पे।
तो 999 पे भाई को देना भी मेरे को गलत नहीं लगता। बाकी सब कुछ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे है, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये GTA की सीरीज कैसे लग रही है, ट्यूटोरियल्स भी डाल रहा हूँ, गेम प्ले भी डाल रहा हूँ, सब कुछ आ रहा है आपके लिए, उसके लिए ना भाई लाइक कर दिया करो और फटाफट से ना कमेंट सेक्शन में बता दो अनमोल भाई कंटिन्यू रखना, ये 500-600 कमेंट्स आ जाने चाहिए भाई, है ना, तभी हम वीडियोस बनाते रहेंगे ऐसी। बाकी मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठोक दी मैंने स्कॉर्पियो, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी टाटा बाय बाय।